नाम है मां। यस जो है ब्रिंग यू टू किंग्स पैलेस फिनिश दिस व्हेन यू आर गोइंग टू चाइनीज टेंपल कैन नॉट ओह एनी कंट्री इन द किंग्स पैलेस दे डोंट गो इनसाइड देयर सो आउटसाइड ऑफ कोर्स ओके Thank you have God. To stay outside. Thank God. I'm so happy to see this. You can go. This is a fantastic. Yeah, 1 minute. You can go in front, take picture only. Okay. But you can see the view of the palace. When you go in front, you see the yellow flag on top. Okay. That means king is inside there today. If the flag is on top, king is inside. Okay. But the king's palace only open once in the year when the 2nd June, where the king's birthday. Only one day in the year. Apart from that, always closed. You only can go in front, take some pictures. So right now, king is inside or not? You have to go in front and see. The yellow flag up means king is inside. You come back and tell me. Take 10 minutes, have some pictures, come back here. Yes. Quickly, you have to go to the Chinatown, Chinese temple from here about 10 kilometers. Okay. Come back in 10 minutes here, yeah? Yes, sure. Yeah, main King's Palace, I'm in Malaysia. Mein. Wow, ye scene dekhe, mera dimag kharab ho gaya, yaar. मैंने बुक किया आज पूरे दिन के लिए इस गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ ये किंग्स पैलेस है मलेशिया के किंग का घर है और देखो येलो फ्लैग ऊंचा है इसका मतलब राजा अंदर ही है इसका नाम क्या है देखो इस्टाना नेगरा कितना सुंदर है ना तो मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ दौड़ के वहां से मैं दिखाता हूँ फिर लोकेशन देखो यार ऐसे ही पूरे रास्ते में मलेशिया में है यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रहा हूँ आई हैव ओनली 10 मिनट्स एज पर माई ड्राइवर मिस्टर मार्क बट 10 मिनट की जगह मैं 15 मिनट लूंगा ठीक है तो ये देखो लग्जरी बस होती है ऐसी मैं बस मैं दोबारा सिंगापुर जाने वाला हूँ मैं मलेशिया से ये बस देखो कितनी खूबसूरत होती है अरे अंदर बैठ के मजा आ जाता है और इस बस में हमारे यहाँ क्या करते हैं 100-100 लोग बिठा देते हैं भैया इसमें केवल 25 लोग बैठते हैं केवल 25 आप सो के आओ एकदम मजे से सामने ट्विन स्टार वहाँ पर दो दो बार जा चुका आज भी कल भी ये कल तो मैं अपने आप गया था ये ड्राइवर मुझे ले गए पैकेज है मेरा 18,000 में मैंने पैकेज लिया है अभी तो मैं शाम को आप देखते रह जाओगे मैं केएल टावर के ऊपर जाने वाला हूँ उसके लिए मैंने 4,000 रुपये दिए हैं आँखों से देखते सामने शायद तो अलग ही बात होती अब मैं कितना दिखा पा रहा हूँ भगवान जाने अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं इस समय कहाँ हूँ मैं दूर से तो देख के मजा आ गया मैं अपने ड्राइवर बोलने वाला था कि भैया यहाँ रोक दो चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ ये देखो मलेशिया मैं 3 देशों की यात्रा पे आया हूँ आई एम फीलिंग नाउ लकी मलेशिया का जो किंग है राजा उनका ही घर है यहीं में रहते हैं वो तो देखो ये किंग का ही गेट है ये मेन गेट है वी कैन नॉट एंटर नो बडी कैन एंटर आपको बता रहा हूँ मैं कि दुनिया के कोई भी इंसान आकर के इसके अंदर नहीं जा सकता एज पर माई ड्राइवर मेरे ड्राइवर ने बताया है कि कोई भी इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता है केवल बाहर वालों के लिए केवल एक दिन ओपन हो तो मलेशिया के किंग का ये घर है देख लो भैया राजा है महल ये देखो महल देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगते ये देखो कैसे यदि कमेंट में बताना यदि अच्छा लग रहा है यदि कुछ धुंधली कुछ गड़बड़ी हो वीडियो में तो मुझे बताना तो मैं कोशिश करूंगा कि सही दिखाऊं मैं कोई वीडियोग्राफर नहीं हूं आई एम जस्ट लाइक यू जस्ट कॉमन पर्सन कभी ये सब किया नहीं है पर मैंने कहा कि ये सब चीज़ें कैप्चर करो फिर घर पे आराम से देखेंगे कि हमने क्या किया ये देखो तो बादल कैसे लग रहे हैं जैसे नीचे एकदम हमसे टच कर रहे हैं इन्हीं बादलों में और इस एरिया को पूरे कुआलालंपुर को मैंने देखा था जहाज से इतना खूबसूरत अपने लाइफ में ऐसे मोमेंट नहीं देखा मैंने
कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, यहाँ पे आओ तो जाओ मत। और सामने देखो कितना लोकेशन भैया, ये राजा का है। जब राजा सामने से निकले तो उसको होना चाहिए ना कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये देखो बादल देखो चल रहे हैं, कभी भी बारिश हो जाती है क्योंकि इतनी हरियाली इतनी है, अक्सर बारिश होती है यहाँ पे। देखना जो भी होंगे सबके पास छतरी जरूर होती है, मैं लेके नहीं आया। वाह स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग। तो चलो मैं और दिखाता हूँ, मैं अपनी शक्ल दिखाऊँ क्या? चलो देखो, हाय। मगर चश्मे का मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। चलो मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं कुछ पिक जरूर लूँगा, तो मैं उस एरिए में जाऊँगा, फिर इस एरिए में आऊँगा, फिर फ्रंट गेट से। ओहो ओ गॉड, द किंग इज इनसाइड द महल। मैंने देख लिया, जो येलो फ्लैग है वो अप है, सबसे ऊपर है। जब किंग नहीं होता है तो उसको नीचे कर दिया जाता है। ये पहचान होता है कि इसमें किंग है कि नहीं है, मेरे ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर जो घुमा रहे हैं। ये देखो नीचे धूप में ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो कैसी बन रही है। ये क्या है? सोवनियर शॉप। ये देखो मैं चारों एंगल से दिखा, देखो ये येलो, ये आप देख सकते हो तो सामने येलो फ्लैग दिखाई दे रहा है, ऊपर है और कोई फ्लैग नीचे है ना, इट मीन्स आई थिंक किंग अंदर है। अब सोचो हमने सुना था आज भी किंग होते हैं, तो जो मलेशिया के किंग इज जस्ट लाइक प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो यहाँ की गवर्नमेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट संभालता है, वो क्या करेगा कि सारे खर्चे हर फैसिलिटीज इन किंग को देना पड़ता है, क्योंकि भाई ये इस देश के राजा रहे हैं ये लोग। मुझे देखो पानी, देखो मुझे प्यास लग गई, पी लूँ क्या? मैं इंडिया में होता तो मैं तो पी लेता। एक्सक्यूज मी, हेलो, कैन आई ड्रिंक? नो, इसे मना कर दिया। अब ये मना इसलिए नहीं, गलत लोग नहीं है इसीलिए, वो शायद वो शी थिंक कि दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट्स वाई मलेशिया में मैं पानी आपको नहीं मिलेगा इजीली, आपको खरीद कर पीना है। देखो अब मैं चल रहा हूँ, ये देखो यहाँ से सीन देखो, वाह। ये देख रहे हो पीछे बिल्डिंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो पहाड़, ये अब मेरा पैसा पहली बार अभी लगा के वसूल हुआ है। चलो अब महल की तरफ चलते हैं। ये देखो ये हो सकता है इधर कहीं राजा आता होगा बाहर, इधर भी घूमता होगा तो हम भी घूम रहे हैं। मैं कैप लेके आया होता तो अच्छा होता, गर्मी लग रही है। देखो यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है मेरे ख्याल से, इसलिए देखो मस्जिद की तरह नहीं इनके वो है टॉप ऑफ दिस गेट। देखो काश अंदर जाने देते, मज़ा आ जाता। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो अंदर, ये देखो नज़ारा। चलो ये जो इधर दिखाई दे रहा है वो दो टावर, उसे कहते हैं ट्विन्स टावर, पेट्रोनस ट्विन्स टावर। मैं दो दो बार जा चुका हूँ, मैं फिर शाम को मैं भी जाऊँगा वहाँ पर। उसके ऊपर जाने के लिए भी हजारों रुपए लगते हैं, इसमें जाने के लिए मैंने 4000 पे किए हैं। इसके ऊपर आज जाने वाला हूँ, ऊपर मैं पैसे ऑलरेडी पे कर चुका, टिकट मेरे आई हैव टिकट। ये देखो ये जो टावर देख रहे हो मेरे फिंगर के आ गया, ये ऊपर, इसको कहते हैं के एल टावर। हाँ मैं 10 मिनट ऑलरेडी ले चुका हूँ, मेरे को उसने कहा था कि 10 मिनट में आ जाना। ये देख रहे हो फ्लैग, येलो फ्लैग ऊपर है ना, शायद ये जो येलो फ्लैग ऊपर होने का किंग अंदर होगा, किंग का वो फ्लैग है येलो वाला, यानी जब वो राजा रहा होगा कंट्रोल उसके हाथ में रहा होगा तो वो फ्लैग चलता होगा। बाद में जब मलेशियन गवर्नमेंट आई तो देखो ये जो मलेशिया का वो झंडा छोटा है, देख रहे हो राजा का झंडा ऊपर है और वो अंदर है यानी। Thank you.
ये शायद उनके सैनिक हैं। मुझे बादल देख के ताजुब, ऐसे बादल मैंने नहीं देखे, इतने सुंदर खूबसूरत लगते हैं। आप खरगोश देखो ना, खरगोश वैसे बादल यहाँ लगते हैं बिल्कुल। मैंने सही एग्जांपल। Have you taken your camera, everything with you? Yes. Okay, what about your passport? Are you carrying your passport now? Okay, next time, don't carry your passport and walk. Okay. It's dangerous, you know, when you walk around. You are from where? India? India, yes. See, Indian tourists always do that. I don't know why. Okay. You know why? You see, even I don't know why I'm doing this. Why are you carrying him? Because there are some pickpockets here. Okay. They are looking for your passport. Okay, okay. They can sell for 30,000-25,000 ringgit. Next time I will take care of it. Thank you for your information. Yes, please. Yes. Thank you. Yes. You are a good driver. My name is Mark. Okay, Mark. And then you see, Mark me is M-A-R-K. I am going to take you to Chocolate Gallery. Okay. Bartek Center and Twin Tower. Because very close from by evening, maybe of 3 o'clock or 4 o'clock, we can't enter this area because of the traffic jam. I will be grateful for your service. All right. Good service, good information. All right. Definitely I will do that. Because that is my job. Yes, yes. Every, sure. All the time, any tourist, I will do the same thing. All right? Not yes. Like people from there, I will do less. Sure. So let me take you to Chocolate Gallery first. I'll tell you the ticket already you bought? Yes, all I right. Have two tickets. Very good. Of each 99 ringgit. All right, good. Okay. So since you bought, you can go straight away after. Otherwise, you need to queue after to get the ticket. Yes. You go to Chocolate Gallery, you can eat some chocolate free. Free? Free where they give you free chocolate to taste. But why? Why free? Because they give you for taste that, I will take you to the Bartek shop. This is the first stop. Okay. You go inside. This is the famous Malaysian leather factory. Okay, you go by this way. ये देखो ये सब कपड़े बड़े, ये देखो real हैं। जब ये उनके बाल हैं जानवरों के, real not। हाँ तो leather का सामान खरीदो, देखो घूमो, अगर मन है तो लो। शॉपिंग, छोटी मोटी शॉपिंग करूँगा। आई एम हेयर यू कैन से ये मैं चॉकलेट गैलरी में हूँ। यहाँ फ्री में चॉकलेट हम जितना मर्जी खाने वाले, जितना मर्जी चॉकलेट खाओ। ये देखो ऐसे चॉकलेट बनाया जाता है, कोको है तो अंदर से ऐसा कुछ दिखाई देता होगा। ये देखो सारे पेंट इन चीज़ों की हेल्प से पेंट करे जाते हैं। ये देखो ये कलर सब। ओके, वी कैन गो देयर। ये पकड़ो, ये देखो ये सारे पेंट यहाँ करे जाते हैं, सब पेंटिंग है। देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है। जब आप परचेज करो तो मैं एक चॉकलेट गैलरी में गया था, कसम से मज़ा आ गया, चॉकलेट खा गया ऐसे। यहाँ वहीं बनाए जाते हैं, वहीं बन रहे हैं। पेड़ उड़ भी हैं, मैंने उनके फ़ोटो लिए हैं। ओके, तो ये सारा पेंट देख लो, ये देखो। देखते रह जाओगे, ये सुंदर है पेंटिंग। तो मैं कुछ पिक भी लूँगा मैं उनके, ये मुझे लग रहे थे सुंदर हैं कि अब अच्छा लगेगा अपने मोबाइल में हो तो। ये देखो ये कपड़े छपाई हो रहे हैं यहाँ पे, देखो वो बाहर, वो देखो सामने कर रहे हैं। सेल्फी